जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। ऑर्गेनन, ऑर्गेनन की सीरीज में हमने एपोरिज्म 64 देखा कि एपोरिज्म 64 के अंदर मास्टर बात करते हैं एक्शन की, प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ द ड्रग। प्राइमरी एक्शन का मतलब क्या होता है कि ड्रग की एक्शन की जो सीधे शरीर के ऊपर हो रही है, और सेकेंडरी एक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पे उस ड्रग की जो इफेक्ट हुई है उससे बिल्कुल विपरीत, या तो उस इफेक्ट को दूर करने के लिए वाइटल फोर्स के द्वारा की गई इफेक्ट। मतलब कि प्राइमरी एक्शन के अंदर वाइटल फोर्स पैसिव रोल में होता है और सेकेंडरी एक्शन के अंदर वाइटल फोर्स एक्टिव रोल में होता है। और हमने एपोरिज्म एक के अंदर सीखा है द फिजिशियन। फिजिशियन का मतलब होता है ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति कि जो फिजिक, जो नेचर के लॉ जानता है, और नेचर के लॉ में ही ये दो एक्शन हैं, प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन। तो आज हम उसके ही एक कदम आगे बढ़ेंगे। एपोरिज्म 64 में ये सब हमने देखा, लेकिन 65 के अंदर हनीमैन हमें उनके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उनके एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो हर व्याख्यान की तरह इस व्याख्यान की भी शुरुआत एक अच्छे से श्लोक के साथ करेंगे। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर् भवेत एवं परुषकारेण विना देव न सिद्ध्यति हि। श्लोक में रथ के दो पहियों का उदाहरण देकर व्यक्ति के जीवन में श्रम के महत्व को समझाया गया है। रथ का सहारा उसके दो पहिये होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में रथ का कोई काम नहीं रह जाता, और यदि दोनों पहियों में से केवल एक ही पहिया रथ से जुड़ा हो तो भी रथ नहीं चल पाता। श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है कि जिस प्रकार केवल एक पहिये के सहारे रथ पर नहीं चला जा सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के केवल भाग्य के सहारे सिद्धि नहीं मिलती है। अर्थात जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए पुरुषार्थ रूपी पहिये का होना अति आवश्यक है। परिश्रम किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। इस संसार में हर छोटी से छोटी एवं बड़ी से बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि हम आलस्य का आलिंगन कर केवल बैठे रहेंगे तो हमें जीवन में सफलता कभी नहीं मिलेगी। अंत आलस्य का त्याग करें एवं पुरुषार्थ करें। यह श्लोक हमारे लिए है क्योंकि पिछले काफी समय से हम इनडिसिप्लिन के अंदर हैं। हम उसको कोई कुछ भी बहाना बोल सकते हैं कि व्यस्तता थी, ये था, वो था, लेकिन व्याख्यान रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए ये श्लोक हमारे लिए है कि हमें आलस्य नहीं करना है। केवल और केवल भाग्य के सहारे सफलता नहीं मिलती है, हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। मुझे सीखना है लेकिन ये हुआ, फला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन मैं सीख नहीं पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको सीखना है वो सीखने के लिए पुरुषार्थ करे, वो हर रोज व्याख्यान देखें, सुने, चिंतन करे, मनन करे, नोट्स बनाए, कैंप को अटेंड करे, अपने कैंप लगाए, आरोग्य शिविर लगाए। क्यों नहीं सीखा जाएगा? भगवान तो हमें देने के लिए ही बैठा है, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। वो तो बोल रहा है बेटा तुम सीखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बहुत अच्छी घटना आपको सुना रहे हैं। द्रौपदी का स्वयंवर था, और स्वयंवर के दौरान महाराज द्रुपद ने वहां पे एक वो मत्स्य वेद रखा हुआ था कि जिसके अंदर पानी को अंदर देख के ऊपर मछली घूम रही है और उसकी आंख को निशाना बना के तीर चलाना है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन तुम बहुत अच्छे से जाना, बहुत अच्छे से मछली की आंख देखना और एकदम अपना पूरा प्रयत्न करके उसकी आंख पे तीर चलाना। तो अर्जुन हमारी तरह फ्रस्ट्रेट हो गए और अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, सब कुछ मैं ही करूंगा तो आप क्या करेंगे? और भगवान मुस्कुराए और उन्होंने, कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को बहुत अच्छा उत्तर दिया, अर्जुन मैं पानी को स्थिर रखूंगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? सब कुछ परमात्मा नहीं करके देगा। परमात्मा वह काम करेगा जो हम नहीं कर पाते हैं। हमारे एक गुजराती के कवि हो गए, उनका नाम है दलपत राम, और उनका एक बहुत अच्छा एक वाक्य हमें याद हो आ रहा है कि जे तारा थी न थाए ई प्रभु थी तू कराओ।
જે તારાથી નહીં થાય એ પ્રભુથી તું કરાવ, પાણીયારો તું ભર, પ્રભુ ભરશે નદી તળાવ। बात समझ में आ रही है? हमारे घर का मटका भरना हो तो उसके लिए हमें प्रभु को परेशान नहीं करना है, हमें प्रभु को नहीं करना है कि तुम मटका भर दो। प्रभु कभी हमें घर का मटका नहीं भर के देने वाले हैं, लेकिन प्रभु क्या करेंगे, वो बारिश करेंगे, और वो बारिश करवाएंगे तो उसके कारण नदी तालाब सरोवर सबके अंदर जल आएगा। वहां तक तो प्रभु ने जल दे दिया, अब वहां से मटके तक लाने का तो पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? प्रभु ने हमें दे दिया, लॉ ऑफ सिमिलिया दे दिया है, उसका कैसे एप्लीकेशन करना है वो भी प्रभु ने दे दिया है, उसके पूरे व्याख्यान भगवान ने दे दिए हैं, प्रभु कृपा से पेशेंस भी हैं। अब हमें क्या करना है? केस रिसीविंग करना है, टोटालिटी बनानी है, प्रिस्क्रिप्शन करना है। हम कहेंगे सब कुछ हम कर रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे? रिजल्ट भगवान दिलवाएंगे, अब तक पेशेंटों को दर्दियों को भगवान लाएंगे। बात समझ आ रही है? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, मुझे सीखना तो है लेकिन ये हो रहा है, मुझे सीखना तो है वो हो रहा है, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। हमने हमारी सीखने की कितनी इच्छा है ये मायने नहीं रखता है, हम सीखने का कितना प्रयत्न करते हैं, सीखने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं ये मायने रखता। मुझे होम्योपैथी तो करना है लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे होम्योपैथी करने की बहुत इच्छा है। अरे भाई, इच्छा तो हमारी भी बहुत है, क्या करें? इच्छा से कुछ नहीं होता है, उस इच्छा के पीछे, उस उद्देश्य के पीछे हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। इच्छा सिर्फ इच्छा होती है, लेकिन उद्देश्य का मतलब होता है इच्छा के साथ उसको पूर्ण करने के प्रयत्न करना। तो हमारा उद्देश्य सीखना होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होम्योपैथी करना होना चाहिए, तो खुद ब खुद रास्ते बनेंगे, खुद ब खुद ऐसे लोग जुड़ेंगे जो शिविर का आयोजन करेंगे, कैंप का आयोजन करेंगे। लेकिन पहले आप प्रयास तो कीजिए, कुछ प्रयत्न करेंगे तो ही होगा, बिना प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता है। तो इस श्लोक में हमें सीखने को मिलता है कि हमें प्रयत्न करना है, हमें पुरुषार्थ करना है, हमें मेहनत करनी है, बाकी के काम प्रभु के ऊपर छोड़ने हैं, भाग्य के ऊपर छोड़ने हैं। केवल भाग्य के पहिए से सफलता नहीं मिलेगी। उसी तरीके से कोई भी पेशेंट आए तो बिना मेहनत किए, बिना अच्छा केस रिसीविंग किए, बिना टोटालिटी बनाए, बस मुझे लग रहा है कि नख स्वामी का देनी चाहिए और हमने नख स्वामी का दे दी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। केवल भाग्य के सहारे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उस रिजल्ट के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हमें केस रिसीविंग करना पड़ेगा, टोटालिटी बनानी पड़ेगी और सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी, तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। होप ये श्लोक आपको क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई प्रश्न? ये एक भी श्लोक ऐसे ही नहीं दिया गया है, ना ही कोई टाइम पास करने के लिए दिया गया है। गुरुकुल का मतलब है इंटरनल डेवलपमेंट, जहां जहां अगर आत्मविश्वास की कमी है तो आत्मविश्वास बढ़ाना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनलाइटमेंट, मतलब पाथ को क्लियर करना, रास्ते को क्लियर करना। हम जिस पाथ पे चल रहे हैं आप उसी पाथ पे चलें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपका पाथ है वो प्रकाशित हो, आपका रास्ता प्रकाशित हो और आप अपने रास्ते पे आगे बढ़े। ये गुरुकुल का सिद्धांत है। तो अब बढ़ेंगे हम एपोरिज्म 65 के ओर। तो एपोरिज्म 64 के एग्जाम्पल ही दिए गए हैं। एपोरिज्म 64 में कहा गया कि ड्रग की प्राइमरी एक्शन होती है, लेकिन वो एक्शन होने के लिए भी वाइटल फोर्स का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वाइटल फोर्स ही नहीं होगा तो ड्रग की प्राइमरी एक्शन भी नहीं होगी। इसीलिए मृत शरीर के ऊपर किसी भी ड्रग की एक्शन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन प्राइमरी एक्शन में वाइटल फोर्स पैसिव होता है, वो ड्रग सब्सटेंस को एक्शन करने के लिए देता है, वो ड्रग सब्सटेंस वो पैसिव फॉर्म में रहता है कि ड्रग अपनी एक्शन कर ले, वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो अपनी एक्शन कर ले, लेकिन उसके बाद वाइटल फोर्स खड़ा होता है और उस एक्शन को नलीफाई करने के लिए, उससे विपरीत या तो उस एक्शन की इफेक्ट को खत्म करने की एक्शन देता है, जिसको सेकेंडरी एक्शन कहा जाता है। तो होप आप सबको प्राइमरी एक्शन एवं सेकेंडरी एक्शन क्लियर हो गए होंगे।
नहीं हुए हैं तो आप एपोरिज्म 64, 62, 63 के व्याख्यान देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इन एपोरिज्म 64 आर फेमिलियर टू ऑल। 64 में हमने देखा हम सब उससे फेमिलियर हैं। कैसे फेमिलियर हैं? तो उनके कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अ हैंड बाथड इन हॉट वाटर इज एट फर्स्ट मच वार्मर देन द अदर हैंड देन दैट हैज नॉट बीन सो ट्रीटेड प्राइमरी एक्शन बट व्हेन इट इज विथड्रॉन फ्रॉम द हॉट वाटर एंड अगेन थ्रूली ड्राइड इट बिकम्स इन अ शॉर्ट टाइम कोल्ड एंड एट लेंथ मच कोल्डर देन द अदर सेकेंडरी एक्शन। मतलब हम एक हाथ को बाहर रखते हैं और दूसरे हाथ को गर्म पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, तो हम जैसे ही बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो हाथ गर्म पानी में था वो गर्म है और जो बाहर हाथ है वो ठंडा है। इसको गर्म पानी की प्राइमरी एक्शन कहा जाता है। लेकिन जैसे ही गर्म पानी में डाले हुए हाथ को बाहर निकालकर उसको सूखा कर देंगे तो फिर हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जो हाथ बाहर था उसकी सापेक्ष में गर्म पानी वाला हाथ बहुत ठंडा हो जाएगा। अनुभव किया है कि नहीं किया है? हमारे यहां अभी विंटर चल रहा है तो ये चीज बहुत अनुभव में आई हुई है। हम छोटे थे और गर्म पानी के लिए जिद कर रहे थे तो हमारी माता जी हमको कहती थी कि ठंडे पानी से ना लो, पहले कुछ सेकंड ही तुम्हें ठंड लगेगी लेकिन फिर ठंड नहीं लगेगी, और गर्म पानी से नहाए तो 2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा लेकिन पूरा दिन ठंड लगती रहेगी। बात समझ में आ रही है? हमारी माता जी को होम्योपैथी के बारे में कुछ मालूम नहीं है लेकिन उनको नेचर्स के लॉ के बारे में मालूम है कि प्राइमरी एक्शन, अगर ठंड है और हम गर्म पानी से नहाए तो प्राइमरी एक्शन के तहत हमारा बॉडी गर्म हो जाएगा लेकिन जैसे ही वो सूखेगा तो अब पहले से भी ज्यादा ठंडा होगा, ये सेकेंडरी एक्शन है। और अगर हम ठंडे पानी से नहाए ठंड में तो पहले कुछ टाइम के लिए हमें बहुत ठंडी लगेगी लेकिन सेकंड वो प्राइमरी एक्शन है, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी एक्शन आएगा वाइटल फोर्स बॉडी को गर्म करेगा और हमें पहले से कम ठंड लगने लगेगी। अगर 100 लोग हैं और उसमें से 90 लोग गर्म पानी से नहाते हैं और 10 लोग हैं वो ठंडे पानी से नहा के आए हैं इन विंटर, ये विंटर की बात है, तो आप देखेंगे कि उन 90 को ठंड ज्यादा लग रही है और जो 10 लोग ठंडे पानी से नहा के आए हैं उनको ठंड कम लग रही है। अभी विंटर चल रहा है, आप हनीमैन के इस एग्जाम्पल को कल सुबह प्रयोग भी कर सकते हैं कि जब सुबह का टाइम है ठंडी है तो एक हाथ को गर्म पानी में 2 मिनट के लिए डुबा के रखिए, अब दोनों हाथ को टच करके देखिए, आप अपने मित्र को या अपने किसी घर वाले को बोल सकते हैं तो वो बोलेगा कि बाहर वाला हाथ ठंडा है पानी वाला हाथ गर्म है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे उसको सुखा कर फिर उसको कहेंगे कि अब 10 मिनट हो गए अब देखो, तो आप देखेंगे कि जो पानी वाला हाथ है वो पहले से ज्यादा ठंडा हो गया है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरा एग्जाम्पल हनीमैन हमें देते हैं, अ पर्सन हीटेड बाय वायलेंट एक्सरसाइज प्राइमरी एक्शन इज आफ्टरवर्ड अफेक्टेड विथ चिलीनेस एंड सीवरिंग इज सेकेंडरी एक्शन। कोई व्यक्ति अगर बहुत कसरत करते हैं तो पूरा बॉडी वार्म हो जाता है और उनको गर्मी लगने लगती है, ठीक है? हमने अभी देखा होगा ना, ठंडी का मौसम है तो हम वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, तो हमें अपना वूलन्स या स्वेटर या जो भी होता है वो फेंक देना पड़ता है क्योंकि हीट जनरेट होती है। लेकिन अगर 10 मिनट हम बैठ गए तो अब हम पहले से भी ज्यादा ठंडी हमें महसूस होने लगती है। यही है प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन, हमें शिवरिंग होने लगता है। अगर अनुभव नहीं किया है तो कल सुबह अनुभव कीजिए। ज्ञान उसे कहते हैं जो अनुभव सिद्ध हो, अगर बिना अनुभव है तो उसको ज्ञान नहीं कहते, वो बातें हैं। और अभी कलयुग के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यही चीज बहुत तकलीफ दे रही है कि सबको मालूम है लेकिन अनुभव किसी को नहीं है। होम्योपैथी के अंदर तो ये बहुत देखने को मिला है,
सब लोग बातें करते हैं कि होम्योपैथी में वी कैन ट्रीट फलाना, वी कैन ट्रीट डेमका डिसीज, ये डिसीज, वो डिसीज, ऐसे होम्योपैथिक एग्रावेशन आता है, लेकिन कितने लोगों ने प्रैक्टिस के अंदर देखा होम्योपैथी करने के लिए हमें ये सिम्टम चाहिए, वो सिम्टम चाहिए, होम्योपैथी ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन कितने लोगों का पर्सनल अनुभव है? तो जो चीज अनुभव सिद्ध होती है वो ज्ञान है, जो केवल बातें हैं, सुनी सुनाई चीजें हैं, वो इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान नहीं है, वो केवल माहिती है। उसे मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीवन में फर्क पड़ेगा केवल और केवल ज्ञान से। दूसरा एग्जांपल समझ आ गया? 2-1 Who was yesterday heated by drinking much wine? Primary action. Today every breath of air feels too cold. Counter action of the organism. Secondary action. बात समझ में आ रही है? किसी व्यक्ति ने अगर बहुत वाइन पी, मतलब तो उसको तभी एनर्जी बहुत जनरेट होगी, वो बहुत एनर्जेटिक या हीटेड या हॉट महसूस करेंगे। किसी शादी में अगर नाचना है, किसी पार्टी में नाचना है, तो हम देखेंगे कि यूजुअली लोग कहेंगे कि थोड़ा, समझ रहे हैं ना, समझदार को इशारा काफी है, थोड़ा वो तो एनर्जी आ जाती है, लेकिन वो एनर्जी के बाद दूसरे दिन वही लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, बहुत लेथार्जिक महसूस करते हैं। इसको सेकेंडरी एक्शन कहा जाता है, इसको काउंटर एक्शन कहा जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन समझाने के लिए मास्टर हनीमैन ने हमें एपोरिज्म 65 के अंदर अलग 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 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये एग्जांपल सबको समझ आ गया कि नेचुरल स्टेट के अंदर हमारे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है कि हम नाच पाए या डांस कर पाए, लेकिन हमने कुछ वाइन ले ली तो बहुत एनर्जी आ गई और हम नाच लिए, लेकिन उसकी काउंटर एक्शन में दूसरे दिन हम बहुत लेथार्जिक महसूस करेंगे, पहले से भी कम एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये सेकेंडरी एक्शन है। क्लियर? तीनों एग्जांपल क्लियर हुए तो हम आगे बढ़ें। एनीवन, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। ओके। एन आर्म दैट हैज बीन केप्ट लॉन्ग इन वेरी कोल्ड वेदर is at first much paler and colder is the primary action than the other, but remove from the cold water and dry is subsequently become not only warmer than the other but even hot, red and inflamed. Secondary action, reaction of the vital force. पहले हमने गर्म पानी से किया था, अब उसी तरीके से अगर ठंडे पानी से किया जाए experience, तो हाथ को ठंडे पानी में या cold environment में रखा जाए तो दूसरे हाथ की तुलना में वो ठंडा भी हो जाएगा, फीका भी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको वहां से निकाल दिया जाए तो सेकंड, वो प्राइमरी एक्शन थी, लेकिन जैसे ही उस एनवायरमेंट में से निकाल लिया तो अब वही हाथ दूसरे हाथ की तुलना में ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा रेड होगा और इन्फ्लेम्ड होगा। इन शॉर्ट, वहां का सर्कुलेशन पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हमें कल सुबह ही करने हैं सब, तभी हमें हनीमैन की बातें समझाई देंगी, क्योंकि होम्योपैथी को बहुत लोग होम्योपैथी के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन होम्योपैथी को बहुत कम लोग जानते हैं। क्लियर? इतना समझ आ गया? एक्सेसिव वाइवेसिटी follows the use of strong coffee, primary action, but sluggishness and drowsiness remain for a long time afterwards, reaction and the secondary action. जब हमें पढ़ाई करनी होती है, exams होती हैं, या तो हमें मजा नहीं आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि उस time पे हम coffee पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, stimulants लेते हैं in short, और stimulant लेते हैं तो हम fresh महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही उस stimulant की effect खत्म हो गई तो हम पहले से भी ज्यादा डल और ड्राउजी महसूस करते हैं। इफ दिस बी नॉट ऑलवेज अगेन रिमूव फॉर अ शॉर्ट टाइम बाय इंबलिंग फ्रेश सप्लाई ऑफ द कॉफी, लेकिन अगर हमें दूसरी बार भी स्टिम्यूलेंट चाहिए तो तुरंत उसकी खत्म, उसकी इफेक्ट खत्म हो तुरंत दूसरा स्टिम्यूलेंट हमें देना पड़ेगा तो हम फ्रेश रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम अगर कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं करते हैं तो हम पहले से भी और ज्यादा ड्राउजी, थके हुए महसूस करते हैं। यहाँ पे हम स्टिम्यूलेंट की बात कर रहे हैं,
तो स्टिम्युलेंट कॉफी भी हो सकती है, स्टिम्युलेंट सिगरेट बीड़ी या स्मोकिंग भी हो सकता है, स्टिम्युलेंट और कुछ भी हो सकता है। और जितनी भी पैलिएटिव थेरापीज हैं उन सब को हनीमैन ने एक लाइन के अंदर लिख दिया है। हनीमैन कहते हैं कि इसको पैलिएटिव थेरापी कहा जाता है कि जहां पे आपको शॉर्ट टाइम के बाद तुरंत ड्रग देना पड़े। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एग्जांपल के तौर पे किसी का ब्लड प्रेशर बहुत थोड़ा बढ़ गया है और पैलिएटिव थेरापी के तहत हम उनको ऐसी दवाई देते हैं कि जिससे उसका ब्लड प्रेशर कम हो, तो वो प्राइमरी एक्शन है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ। अब सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? पांसुरिया सर, यस, पहले से भी बढ़ेगा, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ही उसकी इफेक्ट खत्म हो दूसरा डोज देना पड़ेगा। और कुछ टाइम के बाद ऐसा आएगा कि अब उतना डोज देने से भी ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो हमें उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर ऐसा हम कई दिनों के करने के बाद अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो ब्लड प्रेशर पहले से भी ज्यादा बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको पैलिएटिव थेरेपीज कहा गया है। ये पैलिएशन है, ये क्योर नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को सांस फूल रही है और हम ऐसा कुछ सब्सटेंस देते हैं कि जिससे शॉर्ट टाइम के लिए उसकी नलियां ओपन हो जाएं, जो सिकुड़ रही हैं वो ओपन हो जाएं, तो क्या होगा? नीलेश भाई सूत से किसी की नलियां सिकुड़ रही हैं और हम उसको ऐसी दवाई देंगे कि जिससे नलियां सिकुड़े नहीं लेकिन डायलेट हो जाएं, तो प्राइमरी एक्शन में उसकी नलियां डायलेट होंगी, तो सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? वेरी गुड, ज्यादा सिकुड़ेंगी। और हमें उसको ज्यादा नहीं सिकुड़ना देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस सप्लाई देना पड़ेगा उस सब्सटेंस का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सब पैलिएटिव थेरेपीज हैं और हनीमैन हमें कंडेम कर रहे हैं कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। उसी तरीके से अगर किसी की हृदय की नलियां सिकुड़ रही हैं या हृदय का ब्लड सप्लाई कम हो रहा है और हम उसको ऐसा सब्सटेंस देते हैं कि जिससे शॉर्ट टाइम के लिए हृदय की नलियां पौड़ी हो या डायलेट हो या हृदय का ब्लड सप्लाई बढ़े, तो प्राइमरी एक्शन में हृदय की नलियां डायलेट होंगी, तो सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी ना। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ दैट सब्सटेंस देना पड़ेगा। हनीमैन ने यहां पे सिर्फ कॉफी का एग्जांपल दिया है, लेकिन हमने आपको जो बताया वो कुछ एग्जांपल हैं, बाकी आप समझदार हैं। समझ रहे हैं? अभी जो चल रहा है एरा कि जहां पे कंटिन्यूअस सब्सटेंस देने पड़ रहे हैं, वो क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम पैलिएटिव थेरेपीज दे रहे हैं, उसको शॉर्ट टाइम के लिए पैलिएटिव थेरेपी दे रहे हैं, प्राइमरी एक्शन के लिए शॉर्ट टाइम के लिए उसको अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? उससे भी बुरा। जो सब्सटेंस पहले कुछ एमजी 2 mg देते थे, अब वो इफेक्ट लाने के लिए 3 mg देना पड़ेगा, 4 mg देना पड़ेगा, 5 mg देना पड़ेगा, अब उसमें दूसरा सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद मैकेनिकल ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो सिकुड़ ही जाएंगी। वहां पे कुछ लगाना पड़ेगा ताकि सिकुड़े ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले हम उसको केमिकल पैलिएशन करते हैं, केमिकल पैलिएशन से अच्छा नहीं हो रहा है तो अब मैकेनिकल पैलिएशन करते हैं। समझ रहे हैं? सर्जिकल पैलिएशन करते हैं। क्लियर हो रही है बात?
हनीमैन ने एक ही लाइन लिखी है, कॉफी का एग्जांपल दिया है, लेकिन यहाँ से आप सब कुछ जो अभी फ्रेश एरा में चल रहा है ना, उन सब चीजों को समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति को पिशाब में दिक्कत हो रही है और पिशाब की नली है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हम उसको ऐसी दवाई देंगे कि जिससे वो नली डायलेट हो, तो प्राइमरी एक्शन के अंदर वो डायलेट होगी, तो सेकेंडरी एक्शन में क्या होएगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, और फिर हम क्या बोलेंगे, अब ये केस सर्जिकल है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है वहां पे, तो अब उसको मैकेनिकल एड करके डायलेट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से प्राइमरी एक्शन में हमने डायलेट किया मैकेनिकल एड करके, सेकेंडरी एक्शन में क्या होएगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, समझ रहे हैं, इसीलिए क्योर नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग एक बीमारी को अच्छा हो रहा है तो दूसरी जो तकलीफ होगी, दूसरी अच्छी होगी तो तीसरी होगी, कुछ ना कुछ होगा और वो डीपर होता जाएगा, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा। मसल्स के अंदर स्टिफनेस हो गई है, पेन हो रहा है, हमने ऐसा सब्सटेंस दिया जो मसल को रिलैक्स कर देता है, तो प्राइमरी एक्शन के अंदर मसल रिलैक्स हुए तो सेकेंडरी एक्शन के अंदर क्या होएगा, फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ दिस सब्सटेंस करेंगे तो ही पेशेंट को अच्छा रहेगा, नहीं तो पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगा। उसी तरीके से मसल जॉइंट स्टीप हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसको डायग्नोसिस में, याद नहीं आ रहा है, वो स्टीफनेस ऑफ जॉइंट हो जाता है ना, फिर उसको हम कुछ ऐसा सब्सटेंस देते हैं कि उस जॉइंट की स्टीफनेस को कम कर दे, तो प्राइमरी एक्शन में वो स्टीफनेस कम होएंगी तो सेकेंडरी एक्शन में क्या होएगा, ज्यादा स्टीफनेस बढ़ जाएगी, और ऐसा हम करते 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 फिर बोल देंगे कि अब आपके जॉइंट्स खराब हो गए हैं, अब क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो फिर हम उसको सर्जिकल पैलिएशन करवाते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें किस रास्ते पे जाना है वो मास्टर हनीमैन हमें गाइड कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि वो इस तरीके के पेशेंट कंटिन्यू देख रहे हैं, मरीजों में वो चीज देख रहे हैं, उनका ये अनुभव है, और हमने पहले भी कहा कि जो अनुभव है वही ज्ञान है, बाकी सब इंफॉर्मेशन, बात समझ में आ रही है, ये तो हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, उस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैलिएटिव थेरापी। हनीमैन ने कहा है कि इस तरीके से जो होता है उसको पैलिएशन कहा जाता है, या तो उस थेरापी को पैलिएशन थेरापी या पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहा जाता है, लेकिन हनीमैन इधर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको पैलिएशन करना है तो आप हर बार ऐसा करो, हनीमैन तो कह रहे हैं हर बार क्योर के लिए ही काम करो। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, और आगे हनीमैन ने एग्जांपल दिए हैं, ये तो कुछ एग्जांपल हमने आपको बताए, अभी हनीमैन सर के और एग्जांपल बाकी हैं, इतना समझ आ गया सबको, वेरी गुड। आफ्टर द प्रोफाउंड स्टूपिफाइड स्लीप कॉज्ड बाय ओपियम प्राइमरी एक्शन द फॉलोइंग नाइट विल बी ऑल द मोर स्लीपलेस रिएक्शन इट्स अ सेकेंडरी एक्शन। किसी को नींद नहीं आ रही है और नींद देने के लिए हम ओपियम, हनीमैन ने यहाँ पे ओपियम लिखा है, लेकिन हमें समझना है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्राइमरी एक्शन में नींद प्रोड्यूस करे, क्योंकि उस जमाने में ओपियम यूज होता था, अभी थोड़ी ओपियम यूज होता है। बाकी आप समझदार हैं, क्या यूज होता है वो आपको मालूम है।
तो उसको ऐसा कोई भी सब्सटेंस दिया गया कि जो प्राइमरी एक्शन में नींद प्रोड्यूस करेगा, तो सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? पहले से भी ज्यादा स्लीपलेसनेस होगी। किसी व्यक्ति को अगर एक्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवरथिंकिंग हो रहा है, बहुत एंजाइटी बढ़ गई है, तो उसको ऐसी दवाई देंगे, ऐसा कुछ सब्सटेंस देंगे कि जिससे उसकी एंजाइटी या थॉट्स कम हो, तो प्राइमरी एक्शन में कम हो जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या होएगा? उससे भी बुरा हाल होगा, उससे भी ज्यादा थॉट्स आएंगे, उससे भी सीवियर एंजाइटी होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरा जो हम बोलते हैं ना सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन कहां पे खड़ा है? अभी हम देखेंगे तो अभी के एरा में क्या चल रहा है, हर जगह पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स, और बार बार पैलिएटिव ट्रीटमेंट लेने से क्या होएगा? डिसीज इनक्योरेबल स्टेट में चला जाएगा। अगर रिपीटेडली इस तरीके से पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे गई तो उसके बाद वाइटल फोर्स इतना वीक हो जाता है कि वहां पे क्योर पॉसिबल नहीं होता है। हम उनको कम डोज की पैलिएटिव ट्रीटमेंट का जरूरत पड़े ऐसा ही कर सकते हैं। हमारे पास काफी सारे पेशेंट आते हैं, साहब 100% थी जैसे ने, साहब गारंटी आप पूछो, गारंटी दे रहे हैं 100% हो जाएगा। अगर कोई बंदा है जिसको प्राइमरी कंप्लेंट हुई है, जिसने जिंदगी में कभी पैलिएटिव मोड और सप्रेसिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो वहां पे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिन्होंने जीवन में हर पग और हर डग के ऊपर सप्रेसिव और पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेके बैठे हैं, तो किस तरीके से हम उनको बोल दें कि आपको अच्छा हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? यहां से हमें पेशेंट को कैसे समझाना है, क्या बोलना है, किस तरीके से गाइड करना है, और हमें कैसा जीवन जीना है, वो सब मास्टर सिखाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आफ्टर द कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस बाय ओपियम प्राइमरी एक्शन, डायरिया इंश्योर्स द सेकेंडरी एक्शन। अगर किसी को ओपियम खिला दिया तो प्राइमरी एक्शन में वहां पे कॉन्स्टिपेशन होगा, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या होएगा? डायरिया हो जाएगा। आफ्टर परगेशन विथ मेडिसिन दैट इरिटेट्स द बोवेल, कॉन्स्टिपेशन ऑफ सेवरल डेज ड्यूरिंग एंश्योर्स द सेकेंडरी एक्शन। And in like manner, it always happens after the primary action of the medicine that produce in large dose a great change in the health of healthy person, that it's the exact opposite when has been observed there is actually such a things, it is produced in the secondary action by our vital force. अगर किसी को कब्ज है और हमने ऐसी दवाई दी कि जो डायरिया पैदा करे, तो प्राइमरी एक्शन में डायरिया होगा, लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या होएगा? पहले से भी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन। और ऐसा बार बार, डॉक्टर साहब हम पिछले 30 साल से चूर्ण खा रहे हैं, पिछले 30 साल से ये ले रहे हैं, पिछले 20 साल से वो दवाई ले रहे हैं, और वो भी किसी वैद्य जी के पास या जो आयुर्वेद के सिद्धांत से काम करते हैं उनके पास से नहीं, बस हमें इससे अच्छा होता है इसीलिए हम ले रहे हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन हर्बल यूज ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेद, देयर इज डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड यूज ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल। डॉक्टर साहब हमें कब्ज की शिकायत रहती है, तो पिछले कुछ सालों से हम नक्षवमिका का मदर टिंचर ले रहे हैं या नक्षवमिका की दवाई ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो इट कैन बी सब पैलिएशन विथ होम्योपैथिक मेडिसिन और पैलिएशन विथ आयुर्वेदिक मेडिसिन। हम किससे अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद या होम्योपैथी के अपने सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के तहत दवाई होनी चाहिए। हनीमैन हमें ये सिखा रहे हैं, हमें क्या करना है वो हमें देखना है। अगर कोई व्यक्ति किसी और तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अपनी जगह पे सही करते हैं, हमें किसी को सिखाने नहीं जाना है।
किसी को सही या गलत कहने नहीं जाना है, लेकिन पेशेंट काफी सालों से कोई सब्सटेंस ले रहे हैं और वो हमारे पास आते हैं कि अब आपकी दवाई से ठीक हो जाए, तो हमें उनको समझाना पड़ेगा कि पहले आपकी ये जो दवाई ले रहे हैं ना, उसकी सेकेंडरी एक्शन होगी, आपको थोड़ा सफर करना पड़ेगा और कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं, तब जाके आप बिन दवाई के अच्छे होंगे। वो तकलीफ कब्ज भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, स्टिफनेस भी हो सकता है, अनिद्रा भी हो सकता है, एक्सेसिव थॉट्स या एंजाइटी या फियर भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स भी हो सकते हैं, कैच टेंडेंसी टू कोल्ड भी हो सकता है, वो कफ भी हो सकता है, वो राइनाइटिस भी हो सकता है, वो एक्जिमा भी हो सकता है, वो रिंगवॉर्म भी हो सकता है। अगर किसी को खुजली आ रही है और हम उसको ऐसी सब्सटेंस देते हैं कि जिससे उसी उसकी प्राइमरी एक्शन के अंदर उसकी खुजली कम हो जाए, तो सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा? पहले से भी ज्यादा खुजली होगा। तो जब पेशेंट इस तरीके से पैलिएटिव ट्रीटमेंट के ऊपर हैं, तो पहले तो उनको उन पैलिएटिव ट्रीटमेंट से हटाना पड़ेगा, उनको बिन मेडिसिनल स्टेट में लाना पड़ेगा, न्यूट्रल स्टेट में लाना पड़ेगा, बाद में हमारी दवाई का काम शुरू होगा और धीरे 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 जाके अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है, लेकिन पैलिएटिव और सप्रेसिव थेरापी ले लेके पेशेंट्स ने अपना वाइटल फोर्स लोगों ने इतना कमजोर कर लिया है कि उसको नेचुरल स्टेट में लाने में भी बहुत टाइम लग रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमें मरीजों को, हमें दर्दियों को, हमें पेशेंट्स को क्या समझाना है, वो भी हमें ऑर्गेनन में से सीखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनन सीखेंगे, हमारा विजन खुलेगा, वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन लोगों को क्या है ना, वो कुछ मेडिसिन चाहिए, बस इसमें मैं क्या दूं, उसमें क्या दूं। नहीं, ऑर्गेनन को अपने जीवन में उतारिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही है? एपोरिज्म 65 में हनीमैन हमें क्या कहना चाहते हैं? हनीमैन कहते हैं कि ऐसा हम रोज बरोज के अनुभव में देखते हैं कि प्राइमरी एक्शन होती है और उसकी सेकेंडरी एक्शन बिल्कुल उससे ऑपोजिट देखने को मिलती है। तो ये था एपोरिज्म 65, जिसके अंदर हनीमैन ने हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स और उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताया है कि किस तरीके से पेशेंट अनक्योरेबल कंडीशन में जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा वाक्य है, किन डॉक्टर का है हमें याद नहीं आ रहा है, देयर इज नो इनक्योरेबल डिसीज बट देयर आर इनक्योरेबल पेशेंट्स। कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है, लेकिन पेशेंट्स इनक्योरेबल देखने को मिल सकते हैं। तो हम रोग के नाम के ऊपर किसी को क्योरेबल और इनक्योरेबल के अंदर नहीं डालेंगे कि आरए है या अस्थमा है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है या अस्थमा है या कब्ज है या पाइल्स है या स्टोन है, इससे वो क्योरेबल या अनक्योरेबल में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कितना भी बड़ा रोग हो, लेकिन उनकी जिंदगी में सप्रेशन और पैलिएशन कम हुआ है और वो फ्रेश केस हमारे पास आता है, तो वो क्योरेबल कंडीशन के अंदर देख सकते हैं। और कितनी भी मामूली बीमारी हो, लेकिन सालों की सप्रेसिव और पैलिएटिव थेरेपी ली गई है, तो वो इनक्योरेबल पेशेंट देखने को कह सकते हैं। जिन पेशेंट के अंदर सर्जिकल या मैकेनिकल एड किया गया है, मतलब कि जहां पे रिमूवल ऑफ ऑर्गन हो गया है, या तो मैकेनिकल सप्रेशन या मैकेनिकल पैलिएशन दिया जा रहा है, तो उन पेशेंट्स को भी हम परमानेंट रिस्टोरेशन के अंदर नहीं ले सकते। उनकी जितनी जिंदगी है वो कम से कम सिम्टम के साथ अच्छी जिंदगी जिए, वहां तक हम कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट क्योर करने के लिए वो ऑर्गन ही निकल चुका है। तो अब परमानेंट क्योर वहां पे हम शायद हमारे अनुभव में नहीं आया है, पॉसिबल नहीं है। पेशेंट ऑन एंड ऑफ छोटी बड़ी तकलीफों के साथ अपना जीवन व्यापन करते हैं। ये हम आखिरी में ही बताते हैं ताकि जिन्होंने 30-40 मिनट तपस्या की है ना, उन लोगों को मिले। क्लियर, समझ आ गया? जितनी सर्जिकल या मैकेनिकल एड ज्यादा हुए हैं, उतना परमानेंट रिस्टोरेशन कम हो सकता है या तो बहुत देर से होगा। जितना केस फ्रेश है, सर्दी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी तक अगर सप्रेशन या पैलिएशन नहीं होता है, तो वहां पे क्योर होने के चांसेस ज्यादा हैं।
लेकिन अगर सर्दी ही है, डॉक्टर साहब मेरे को 25 सालों से सर्दी है, लेकिन सर्दी होती है तो मैं अपने पॉकेट में ये रखता हूँ और इसको सूंघ लेता हूँ तो मुझे अच्छा हो जाता है, या ये ड्रॉप्स डाल लेता हूँ तो अच्छा होता है, ये कर लेता हूँ तो अच्छा होता है, तो उन 25 सालों से जो मेडिसिन से पैलिएट कर रहे हैं उन केस को क्योर होने में ज्यादा टाइम लगेगा, भले ही वो सिंपल सर्दी है। डॉक्टर साहब मेरे को कब्ज है, मैं 25 सालों से फलामा ढिमका दवाई ले रहा हूं, तो वो 25 सालों से दवाई ले रहे हैं उनको, उनके कब्ज को रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोर होने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई पेशेंट आके बोलता है कि मैंने कोई दवाई नहीं ली है लेकिन मुझे कब्ज है, तो उसको कम समय में अच्छा होएगा। तो हमारी पूरी की पूरी जो बातें हैं, पूरे का पूरा जो काम है वो वाइटल फोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर है। हमारा कोई काम किसी दर्द के नाम से, किसी रोग के नाम से नहीं है। सो हम फिर से याद करवाते हैं, देयर इज नो इनक्योरेबल डिसीज, देयर आर इनक्योरेबल पेशेंट। जो व्यक्तियों ने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सप्रेशन या पेलिएटिव ट्रीटमेंट ले रखे हैं, बहुत सारे सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड हैं कि वो सब्सटेंस न मिले तो उनका जीवन व्यापन नहीं हो पाएगा, उनको हम इनक्योरेबल पेशेंट की कंडीशन में रखते हैं। हम उनकी कंडीशन को सुधार सकते हैं, उनको अच्छा जीवन मिले इस तरीके की मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उनके परमानेंट क्योर हो जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो पेशेंटों का जीवन व्यापन मेडिसिनल सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है, जिन्होंने मैकेनिकल या सर्जिकल या मेडिसिनल या केमिकल पैलिएशन या सप्रेशन नहीं करवाए हैं, तो उन व्यक्तियों को हम क्योरेबल पेशेंट्स की लिस्ट में रखेंगे। क्लियर, बात समझ आ गई? एपोरिज्म 65 में मास्टर हमें क्या कह रहे हैं, क्लियर और नॉट? डॉक्टर साहब खुजान है, 10 सालों से खुजान है, फलाना मलम लगाया, ढीम का ट्यूब लगाया, वो सब्सटेंस लगाया, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम वहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 2-3-4 महीने के अंदर उनकी खुजली चली जाए, वहां पे हमें ज्यादा टाइम लगेगा भले ही वो खुजली है। और आजकल सब लोग इतने होशियार हो गए हैं, मेडिसिन का इंफॉर्मेशन इतना बढ़ गया है कि सब लोग सप्रेशन और पेलिएशन लेने के बाद ही होम्योपैथ के पास आते हैं और फिर बोलते हैं कि सर अब आप अच्छा कर दो, आपको हम चैलेंज दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो हम उन केस में उनको पहले से अच्छी जिंदगी मिले ऐसी मेहनत कर सकते हैं। हम उनको आगे से अश्योरिटी किसी पेशेंट को नहीं दे सकते हैं कि 100% क्योर हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा काम वाया वाइटल फोर्स है। किनका वाइटल फोर्स कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है ये हम उनको नहीं बता सकते, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री और उनकी पास्ट हिस्ट्री, उनके सप्रेशन पैलिएशन मैकेनिकल केमिकल मेडिसिनल सप्रेशन और पैलिएशन की हिस्ट्री के ऊपर से उनको कह सकते हैं कि आपका केस क्योरेबल में है या अनक्योरेबल में है। जैसे जैसे हम ऑर्गेनन और फिलोसॉफी को जानते जाएंगे, समझते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा विजन क्लियर होता जाएगा। हम अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे से, अपने मित्रों को समझा पाएंगे कि आपके केस में हम कितनी मदद कर सकते हैं। होम्योपैथी कोई जादू मंत्र नहीं है कि हर केस में अच्छा ही हो जाएगा। क्लियर? होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद।